राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही गुटबाजी शब्द चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी के लिए पार्टी के अंदर गुटबाजी से निपटना मुश्किल हो रहा है, जबकि कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का झगड़ा राज्य की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कुछ खास नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौर, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिरला के बीच तल्खियां देखने को मिल रही है। सभी नेताओं के सुर अलग सुनाई पड़ रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी द्वारा दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित न करने पर राज्य इकाई के भीतर परेशानी पैदा हो गई है। बीजेपी मध्य प्रदेश की रणनीति की तरह अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव में उतारने की योजना बना रही है। आलाकमान ने हाल ही में राज्य की सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की प्रक्रिया में वीटो पावर के लिए राज्य के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि जमीनी स्तर पर कैडर कंफ्यूज है। एक सच्चाई ये भी है, जिन राज्यों में विपक्ष सत्ता में है वहां सीएम फेस चेहरे की घोषणा करना पार्टी की नीति नहीं है। वसुंधरा राजे को लगातार दरकिनार करने से राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना पर असर पड़ा है। इन असफलताओं के बावजूद वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकों के बाद वसुंधरा राजे की वफादार रही देवी सिंह भाटी को पार्टी में शामिल करना पूर्व सीएम के सपोर्टर्स के लिए कुछ आशा लेकर आया है। वहीं सोमवार को चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन और 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मेवाड़ में बीजेपी के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने कहा, राजस्थान की संस्कृति, यहां की विरासत पर गर्व करने की है, लेकिन 5 साल की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा, सरकार बनने पर राजस्थान में हर गरीब को पक्की छत दी जाएगी और हर घर तक नल कनेक्शन दिया जाएगा। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। ये साफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा सिर्फ कमल है। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार जरूर बना ली लेकिन चला नहीं पाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठते उठते सोते जागते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें कुर्सी से हटाने में लगी रही। अपने बेटे को बचाने और दूसरे के बेटे को उखाड़ने में लगे रहे, लेकिन लूट मचाने के मामले में पूरी कांग्रेस में सहमति रही। यहां अपराधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी और कांग्रेस नेता खुद को सरकार मानकर बैठा है। ऐसी सरकार को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।